सीएम गहलोत के आरोप पर एमएचए ने जारी किया जवाब। गहलोत ने केंद्र पर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी नहीं देने का लगाया था आरोप। ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया मामला। अशोक गहलोत के आरोप को गृह मंत्रालय ने नकारा। बीते दिन गहलोत को उदयपुर से सीकर जाने की नहीं मिली थी अनुमति। प्रियंका गांधी के दौरे के लिए निवाई में तैयारियां शुरू। सभास्थल का मुआयना करने पहुंचे सीएम गहलोत। निवाई में 10 सितंबर के दिन सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। राजस्थान कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं निवाई। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। गुड़ा के बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए एकनाथ शिंदे। शिवम गुड़ा के 18वें जन्मदिन का मनाया जश्न। कांग्रेस कमेटी के कोर कमेटी की बैठक रद्द। प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारी में लगे हैं सभी नेता। सुखजिंदर सिंह रंधावा करने वाले थे बैठक का नेतृत्व। 10 सितंबर को हो सकती है कोर कमेटी की बैठक। धौलपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। धौलपुर जिले में ब्लॉक अध्यक्ष हैं मृतक मेहताब सिंह गुजर। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों में रोष। शिकायतकर्ता को पुलिस अधिकारी ने जड़ा थप्पड़। सरकारी काम में हुई गड़बड़ी की कर रहा था शिकायत। मामले का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। भाजपा ने गहलोत सरकार पर घटना को लेकर उठाए सवाल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूरे किए कार्यकाल के 4 साल। इस अवसर पर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 सालों के कामों का राज्यपाल ने दिया विश्लेषण। इस दौरान गहलोत सरकार को लेकर भी दिया बयान। कहा, गहलोत सरकार से कोई विवाद नहीं। हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में भरी हुंकार। छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर सरकार को घेरा। कहा, भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। राजकीय डूंगर कॉलेज में आयोजित की गई थी युवा हुंकार रैली। पोखरण के रामदेवरा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन। कहा, बाबा रामदेव से देश में अमन चैन की कामना की है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धंदे और पोकरण विधायक साले मोहम्मद रहे मौजूद। ओसिया में सीएम गहलोत ने रणजीत सिंह की मूर्ति का किया अनावरण। स्थानीय विधायक दिव्या मदेरना ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। ओसिया के डावरा गांव पहुंचे थे मुख्यमंत्री गहलोत।